रतन यात्रा का आगाज हो गया है। सबसे पहले आप आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बसरी बंसीधर नगर से परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। मन से उन्हें सभा को संबोधित भी किया, लोगों से अपील भी की कैसे अब झारखंड में परिवर्तन करना जरूरी है। अभी आप हम रथ पर सवार हैं जिस रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसको उन्होंने हरी झंडी देकर उस पर रवाना किया है। आप देख भी रहे तस्वीरों में। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ हैं। सर, सर रथ यात्रा का आगाज हो गया, सर परिवर्तन यात्रा का झारखंड कल 20 तारीख से ही आगाज हो गया। 20 तारीख को देश के गृह मंत्री आए थे। भोगनाडी जहाँ सिद्धू कानू का जन्म स्थान है, वहाँ से संथाल प्रगणा की परिवर्तन यात्रा को शुभारंभ किया और साहेबगंज में सभा को संबोधित किया। इसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर का जो पूर्वी भाग था, गिरिडीह जिला के झारखंड धाम से यात्रा को प्रारंभ किया। वहाँ भी देश के गृह मंत्री उपस्थित थे और आज उत्तरी छोटा नागपुर का जो पश्चिमी भाग, जो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़, ये सारे जो जिला आते हैं, जिसकी यात्रा ईटखोरी भद्रकाली मंदिर वहां से प्रारंभ हुआ और आज देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वहाँ भी यात्रा का शुभारंभ किया और पलामू परमंडल की यात्रा का शुभारंभ बंसीधर नगर उटारी से सभा को संबोधित किया और रथ का यहाँ से शुभारंभ किया। और उसके बाद 23 तारीख को जो दो यात्रा और प्रारंभ होगी, 23 तारीख को देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के श्री जेपी नड्डा जी आएंगे और ओली हाथू जहाँ भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान खूंटी से वो प्रारंभ होगा और एक यात्रा कोल्हान प्रमंडल के बहरा घोड़ा से प्रारंभ होगा। इस प्रकार से 6 रथ और 81 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए 6 स्थानों पर फिर समाप्त होगी और लक्ष्य के पूरे यात्रा में कम से कम 1 करोड़ लोगों से संपर्क कर पाएगी यात्रा। सर, कल भी जब भोगनाडी से शुरुआत हुई और आज भी जितनी भीड़ देखी गई, यह इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लोग भी परिवर्तन चाह रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि 5 वर्षों से लोग जिस सरकार को देख रहे हैं, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जेएमएम है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता है, तो ये जो सरकार 5 वर्षों तक चुनाव के समय, चुनाव के पहले उन्होंने घोषणा पत्र में जितनी भी वादा किया था, एक तो उन वादों को पूरा नहीं किया। चाहे किसान हो, मजदूर हो, माँ बहने हो, सबको इन्होंने ठगा है और लूटा भी है इस राज्य को 5 वर्षों में। बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, यहाँ तक कि जमीन को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, मिलिट्री का, सेना की जमीन को भी नहीं छोड़ा। तो लोग जिन्होंने 5 साल तक ठगा है, अब मौका है परिवर्तन का। इसलिए हम लोगों का ये नारा नहीं बल्कि जनता का ये नारा है, ना सहेंगे ना कहेंगे, अब बदल के रहेंगे सरकार। तो ये झारखंड की जनता का नारा है। सहने से ज्यादा पार स्थिति कैसे हो गई सर? सहने से ज्यादा स्थिति पार कैसे? इसलिए कि आपने देखा होगा कि जिस ढंग से जो करप्शन है, जो लूट रहा है, यहाँ तक कि सरकार के पदाधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, उनको भी उन्होंने लूटने में लगा रखा। आज चाहे ब्लॉक हो या थाना हो, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम लोगों का नहीं होता है। कानून व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद है। जितनी झारखंड प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं हुई है, देश में यह अव्वल स्थान झारखंड पाता है। ये बड़ा दुखद स्थिति है। अब नौजवानों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि नौकरी देंगे, 5 लाख नहीं दिया। कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000-7,000 नहीं दिया। और वो तो लूटते गए, तो स्वाभाविक है कि आज लोगों की नाराजगी। आज देखिए, परीक्षा के नाम पर आज 21 और 22 तारीख को नेट तक को बंद कर, क्या मतलब? ये तो बिल्कुल साफ है
कि भाई लड़के को नेट कहाँ बंद होता है, जहाँ दंगाई होते हैं या जहाँ पर सीमा के जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर कुछ आतंकवादी हमला हो रहा है, कोई इस प्रकार की युद्ध हो रहा है। अब हमारे बच्चे तो एग्जाम लिखते हैं, आज उनके जीवन को और कष्ट में डाल दिया। छोटे छोटे बाजार में भी आज आप देखते होंगे, दुकानों में भी आप सामान कोई भी लोग सावधान खरीदते हैं, वहां भी आप क्या कहते हैं ऑनलाइन सब खरीदते हैं, व्यापार करते हैं, बाजार से साग सब्जी खरीदते हैं। अब जो भी लाखों बच्चे जो इन भिन्न जगहों पर एग्जाम दे रहे हैं, वो भी क्या उनको भी करना पड़ता है कि आप सबको पता है कि आजकल ओला उबर जो भी बुक करते हैं तो वो उसी से काम कर चलाते हैं, लेकिन आज उनको भी परेशानी में डाल दिया। और वास्तव में बीजेपी की यात्रा को प्रचार ना हो नेट के माध्यम से, इसको रोकने के लिए उन्होंने झारखंड के लाखों बच्चों के और जो छोटे छोटे जो व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को इन्होंने परेशानी में डाल दिया। इतना उनको घबराहट है इस परिवर्तन यात्रा से, इस कारण से वो अब जनता और उससे नाराज हो रही है। उनको ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारी यात्रा का प्रचार नहीं हो, इसके लिए उन्होंने 21-22 को नेट बंद कर दिया। नेट बंद करने से आप समझ रहे हैं जो लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के साथ क्या हालत। पर मुख्यमंत्री भी आए थे, कई तरह की बातें भी बोले। बातें तो बोल रहे हैं और उससे अधिक तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हम 1000 रुपया दे रहे हैं, हम अबू आवास दे रहे हैं सब कुछ। हमने कहा कि भाई 1000 रुपया, लेकिन आप लोग रोक लगा रहे हैं। हम लोग कहाँ रोक लगा, हम लोग कौन, न्यायालय तो उन्होंने खुद भेजा, हम लोगों ने तो कहा उनको, जो साल में उन्होंने कहा था कि 72000 रुपया देंगे, तो भाई 3.5 करोड़ होता है, 5 साल में दीजिए, हम लोग मदद करेंगे आपको। उन्होंने कहा था कि चूल्हा खर्च महिलाओं को 2000 रुपया देंगे, दीजिए, हम लोग मदद करने को तैयार, हम लोग कहे रोके। अब चुनाव समय आ गया तब 1000 रुपया बांट रहे हैं, पूरे साल क्यों नहीं बांटे, पूरे 5 साल आपने क्यों नहीं बांटा, जो कि आप जान रहे हैं कि अभी रुक जाएगी, चुनाव होगा अक्टूबर में घोषणा हो जाएगी, नवंबर में चुनाव होगा, इसके बाद तो हमें देना नहीं पड़ेगा, तो आज वो चालू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप लीजिए, 2 महीना के बाद झारखंड में सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी, इससे बढ़िया योजना लेकर के हम सब लोग आ रहे हैं और मां बहनों का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी शुभकामना हुई कि भाजपा का जो लक्ष्य अंजाम तक।